बहुत से लोग ऐसी भ्रांति में होते हैं कि वे ना कुछ हैं, nobody. क्या आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप ना कुछ हैं? पढ़ाई में अव्वल नहीं आ सके, लगा कि मैं मंदबुद्धि हूँ, प्रतियोगिताओं से बाहर निकाल दिया गया और लगा शायद मुझ में कोई प्रतिभा ही नहीं, परीक्षाएं इंटरव्यूज पास नहीं हो सके और लगा शायद मैं अयोग्य हूँ, ज़्यादा धन नहीं कमा पाए और एक दरिद्रता की भावना पैदा हो गई, जगह जगह अस्वीकृत हुए, पराजय मिली, विफलता हाथ लगी और एक हीनता की भावना स्वयं के लिए आ गई। किंतु ये सब तो प्रक्रिया है, यही तो है यात्रा। इन सब से अपना मापदंड करना उचित नहीं। आप ना कुछ नहीं हैं, आप सब कुछ हैं। गर्भ में करोड़ों वीर्य के कण थे और उनमें से आपको चुना गया, ये कोई अकस्मात घटना नहीं। प्रकृति ने ये कोई गलती नहीं की। आप चुनिंदा हैं, आप अद्वितीय हैं, अपूर्व हैं, प्रमाणिक हैं। आप ब्रह्मांड के अंश हैं और प्रत्येक अंश एक जितना विशेष होता है। आपको लगता होगा आप में कोई खास गुण नहीं, कोई कला नहीं, कोई कौशल नहीं। आप स्वयं ही प्रकृति की सर्वोच्च कला हैं। आप अपने आप में कौशल हैं। पंछी अपनी तुलना मछली से नहीं कर सकते, मछलियां अपनी तुलना पेड़ पौधों से नहीं कर सकती, पेड़ पौधे अपनी तुलना पत्थरों से नहीं कर सकते और आप अपनी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। तोड़िए तुलना के तराजुओं को और आत्मवान बने। प्रज्ञा का प्रयोग करें, जो मन आए करें, जो विचार आए उन पे चलें, लगाएं छलांग अज्ञात में, आगे बढ़ें महापुरुष। स्वागत है आपका जीवन में।